तो गाइस स्टार्ट कर दिए हम लोग अपना डिनर करने के लिए। तो मामा से पूछते हैं कैसा बना है, तो मामा रिव्यू दीजिए कि कैसा लग रहा है आपको यहाँ का चिकन चिली और पराठा। बहुत टेस्टी है, पर हम बिरयानी खाने आए क्योंकि बात सही है। हम भी बिरयानी मी टू मिला नहीं, बट हाँ जो भी काफ़ी टेस्टी बना है। मामी तुम आके क्या मन लाइज, मतलब ठीक लाइज। तुमको टेस्टी है, खाने तो सब को। अरे सब तो वही बिरयानी खाने आए थे हम। चलिए ठीक है, अच्छा लग रहा। सो गाइस हम लोग चलते हैं गोविंदपुर, निकल गए गोविंदपुर जाने के लिए। वहाँ पे एक पंडाल है जो बहुत फेमस बना इस बार, इनोवेशन टाइप का कुछ। तो चलते हैं वहाँ पे पंडाल को देख लेते हैं, उसके बाद जाएंगे हम लोग स्टील गेट या फिर हाउसिंग कॉलोनी। ये दो तीन जगह है जहाँ जहाँ बढ़िया बढ़िया बना है, वहाँ का पंडाल आपको दिखाएंगे। चलिए गाइस। सो गाइस देख सकते हैं हम लोग पहुँच गए हैं गोविंदपुर का, जो पंडाल बना था बहुत सुंदर बना है। देख सकते हैं बिल्कुल ओरिजिनल लग रहा है, ये हाथ का बना हुआ है। और ये इसको अवार्ड विनिंग भी है, हम लोग का धनबाद का अवार्ड विनिंग भी है ये पंडाल, जो कि बहुत सुंदर बना है। और एक इनोवेशन है इसका, ये इनोवेशन है आपका जो कि ये धान से बना हुआ है। धान का पूरा जो इसका बेस है इसका, ये पूरा धान से बना हुआ है। देख सकते हैं आप लोग, बाहर से भी आपको दिख रहा होगा, जिसको हम लोग कुचड़ी बोलते हैं ना, धान का जो होता है पूरा ऊपर वाला, वैसे देख सकते हैं यहाँ ओरिजिनल धान भी लाया गया है। एक्चुअली इसका थीम ये है कि यहाँ पे आपको दिखाया गया है झारखंड का संस्कृति, जैसे हम लोग धान उपजाते हैं और धान को हम लोग झाड़ते हैं, यूज़ करते हैं, जैसे इसको फटकाते हैं हम लोग, जैसे आपको एक धान निकलता है उससे, वैसा हम लोग इसको बनाया है यहाँ पे। बहुत अच्छा लगा हमको धान सिंचते हुए, जैसे हम लोग धान सिंचाते हैं वो सब, चावल फटकाते हुए, ये सबको पता है। जो जो हम लोग झारखंड वासी हैं ये सब सबको पता है, लेकिन हम लोग भूल चुके हैं कि धान कैसे हम लोग करते हैं, गेहूँ कैसे उगाते हैं। इसको हम लोग कुचड़ी बोलते हैं, ये पहले ज़माने में बहुत ज़्यादा फेमस था। और फिर हम गए पंडाल के अंदर, देख रहे माँ बहुत सुंदर बनाया है। और जो अंदर का इंटीरियर था, सीलिंग, इसको भी धान से ही बनाया गया है गाइस, देख सकते हैं, धान का फल से, धान का पौधा से, ये बहुत सुंदर है। और एक यहाँ पे था संस्कृति हम लोगों की, जो पुरातन काल में लोग टोकरी बनाते थे उसका भी था, जाल कैसे बुनते हैं हम लोग वो भी था वहाँ पे। देख सकते बहुत सुंदर लग रहा था हमको देख गाइस, मतलब सोचे थे कि ये एक मतलब हम लोग का ट्रेडिशन दिखा रहा है कि हम लोग पुरातन में हम लोग क्या ट्रेडिशन था। स्वच्छ भारत का भी यहाँ दिख रहा है, देख सकते हैं, बहुत सुंदर लग रहा था हमको। और क्या बताएं, यहाँ पे देख सकते हैं कि पेड़ लगाओ, पेड़ पौधा बचाओ, इसका भी एक ट्रेडिशन था यहाँ पे, बहुत सुंदर था। यहाँ हमको आके लगा कि हाँ हम एक पंडाल में आए, एक इनोवेटिव पंडाल में आए, ये आप गोविंदपुर में है, बहुत सुंदर था। और भी बहुत जगह हम लोग बहुत कुछ देखें, देखे कि बढ़ाई मिस्त्री को भी दिखाया जाता है। और बाहर का बाहर में एक सामने में ही एक दुर्गा भारत माता का था, ये चांडिल डेकोरेटर का था। फ्रेंड्स उसके बाद हम लोग गोविंदपुर से निकल गए, देन हम लोग पहले गए स्टील गेट, देन हम लोग गए, देख सकते हैं ये एंट्रेंस है आपका स्टील गेट का। चलते हैं अंदर, यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा इनोवेशन बनाता है, बहुत अच्छा, हर साल ही कुछ ना कुछ अच्छा ही बनाता है इन लोग, हर साल आता है तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। और इससे पीछे मेला लगता है तो शायद हम लोग अभी मेला नहीं जाएंगे, बट पंडाल पे जाएंगे, देखेंगे। अच्छा थीम है इसका, थोड़ा सा कुछ बढ़िया सा आर्किटेक्ट टाइप का, देख सकते हैं। चलिए अंदर से दिखाते हैं। सो गाइस आ गए स्टील गेट, देख सकते हैं बहुत ही अच्छा आर्किटेक्ट है, सुंदर सुंदर सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर लग रहा है, काफी बढ़िया, गोविंदपुर वाले से भी अच्छा लग रहा है। सो फ्रेंड्स चलते हैं, इधर मेला लगा हुआ है तो थोड़ा मेला दिखा देते हैं आपको, देन चलते हैं हाउसिंग कॉलोनी, वहां से कुछ डिनर करेंगे, देन उसके बाद घर जाएंगे। देख सकते हैं आगे टिया और नानी है। चल ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं मेला दिखा लेते हैं आपको, देन आगे चलेंगे आपको हाउसिंग कॉलोनी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ब्लॉग में बने रहे। फ्रेंड्स देख सकते हैं ये मेला लगा हुआ है यहाँ पे स्टील गेट में, बहुत ही बड़ा मेला है। तो हम लोग अंदर नहीं जाएंगे, कॉज हम लोग को हाउसिंग कॉलोनी जाना है,
और रात भी हो गया और हम लोग थक गए थे आज नवरात्रि करके, तो आज जा नहीं सकते, आज नवरात्रि था तो हम लोग घर में पूजा हुआ था और नौकरानिया भोजन था इसीलिए। तो फ्रेंड्स चलते हैं हाउसिंग कॉलोनी वहाँ। सो गाइस देख सकते हैं आ गए हम लोग हाउसिंग कॉलोनी के पंडाल पे। यहाँ का बहुत अच्छा बनाया है आज, ये तो लग रहा है इंडिया गेट है। हाँ इंडिया गेट ही है, इंडिया गेट ही है ये। हाँ देख सकते हैं बहुत सुंदर लग रहा है, पिछला साल केदारनाथ बना था यहाँ, आज इंडिया। तो देख सकते हैं गाइस बहुत ही सुंदर बनाया, अंदर माता है। सो गाइस हम लोग आ गए हैं घूम के मंदिर उंदिर जो भी है तीन जगह से। अब हम लोग बैठ गए हैं खाने के लिए, आए हैं पुणे बिरयानी हाउस खाने के लिए, बिरयानी बट मिला नहीं, तो चिकन चिली और लच्छा पराठा से मन भरना पड़ रहा है। ये है पुणे बिरयानी हाउस धनबाद रानी तालाब के सामने। तो फ्रेंड्स अभी बन रहा है, देख सकते हैं हमारा लच्छा पराठा और इधर चिल्ली, और ये लग चुका है यहाँ पे। तो गाइस स्टार्ट कर दिए हम लोग अपना डिनर करने के लिए, तो मामा से पूछते हैं कैसा बना है। तो मामा रिव्यू दीजिए कि कैसा लग रहा है आपको यहाँ का चिकन चिल्ली और पराठा। बहुत टेस्टी है, पर हम बिरयानी खाने आए हैं क्योंकि बात सही है, हम भी बिरयानी मी टू मिला नहीं, बट हाँ जो भी काफ़ी टेस्टी बना है। मामी तुम आके क्या मन लाइज मतलब ठीक लाइज। तुमको अरे सब तो वही बिरयानी खाने आए थे हम। चलिए ठीक है, अच्छा लग रहा है खाने में, लच्छा पराठा और ये अच्छा लग रहा है। नहीं नानी भी चाउमीन खा रही है आराम से, खाने दो डिस्टर्ब मत, अच्छा लग रहा है। ये दोनों मेरा ही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ब्लॉग को यही एंड करते हैं क्या है। सो गाइस ब्लॉग को यही एंड करते हैं, खत्म करते हैं अपना लच्छा पराठा एंड चलते हैं घर। बस बहुत रात हो गया है, शायद 1 बज गया है रात का, तो खा के खत्म करते हैं। तो इस ब्लॉग को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं कल दशहरा में, तो गुड नाइट फ्रेंड्स, बाय बाय।